बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और अहमदाबाद से नज़दीक जो लोग वन डे ट्रिप प्लान करते हैं कि संडे को अर्ली मॉर्निंग जाके शाम को वापस आ जाए, तो अगर आप भी ऐसी ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा। पूरा फुल एंटरटेनमेंट और फुल एक्टिविटी से भरपूर है। तो मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ, वो है पोलो फॉरेस्ट की। वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे पूरी आपको इम्यूनिटीज मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं सारी इन डिटेल्स दिया है। तो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग आप यहाँ जाके अंबिका एक्जोटिका करके है, वहाँ पे आपको ले जाएंगे। तो करीबन हम लोग 9 बजे के आसपास पहुँच चुके थे। तो वहाँ जाके सबसे पहले आपको इस तरीके से बेल्ट देंगे, बेल्ट आपको आपके हाथ पे लगाना है और एडवांस बुकिंग करवानी है। तो हमने बुकिंग करवाया था एक्सप्लोर विथ नीरव के साथ, तो वो गूगल मैप पे आपको इनका नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहले से आ चुके थे ब्रेकफास्ट के लिए। आप देख सकते हैं कि कितना सारा रश है। फाइनली एक टेबल मिल गया हमें और ब्रेकफास्ट में जो रूटीन होता है वही है, लेकिन दो तीन ऑप्शन आपको ज़रूर से मिल जाएंगे। यहाँ पे थेपला था, उसके अलावा ये आलू पराठा, उसके साथ दही और अचार भी मिल जाएगा। जिनको चाय कॉफ़ी वगैरह पीना है तो चाय कॉफ़ी भी था, और इसके अलावा पोहा भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो दो ये और तीन ऑप्शन तो थे ब्रेकफास्ट में, और खाना ठीक ठाक था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल चुके थे। सबसे पहली एक्टिविटी थी वो थी ट्रैक करने के लिए। तो मुझे सबसे ज़्यादा यही एक्टिविटी पसंद आई। तो आप लोग अगर जा रहे हैं यहाँ पे तो ये ट्रैकिंग ज़रूर से करना। और ये आप देख सकते हैं पार्किंग में कितनी सारी गाड़ियाँ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। जो लोग पर्सनल व्हीकल लेके आते हैं वो लोग यहाँ पार्क करते हैं, और जो लोग ट्रैवल्स लेके आते हैं वो लोग उनका पार्किंग यहाँ पे इस तरीके से है। सो गाइज, अभी हम लोग ट्रैकिंग के लिए निकल चुके हैं। ये देखिए पीछे ट्रैकर्स, आगे भी ग्रुप। तो यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ तक तो आपको चल के ही जाना पड़ेगा, व्हीकल आप लोगों को यहाँ अलाउ नहीं है। और साथ में एक गाइड भी रहता है जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और साथ साथ लेके चलेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आप बाकी की इन्फॉर्मेशन वीडियो में आगे जाके बताऊँगी। तो आप लोग बने रहिए और कुछ भी कॉमेंट है तो आप ज़रूर से पूछिए। પ્રાણી લેપર્ડ રીંસ આવા પ્રકારના જંગલમાં પ્રાણી રહે છે। આજે નદી આપણા અત્યારે બ્રિજની નદી સામે નદીનું નામ છે હરણા નદી। ટ્રેકમાં જવાનું, સિંગલમાં ચાલવાનું, કોઈ ધક્કામુક્કી કરવાનું એવો ટ્રેક છે કે તમને ખાઈ જેવો ટ્રેક છે? તમે ધકમકી કરે સિંગલ લાઈનમાં છાવવાનું બધાને। તો ટ્રેક દરમિયાન કોઈ ફોટોગ્રાફી કરવાનો તમને ટાઈમ આપશો? અમે ફોટોગ્રાફીની ટાઈમ સિંગલ લાઈનમાં છાવવાનું બધાને, ને કોઈ ધક્કા, કારણ કે એવું છે કે જે ટ્રેકથી શરૂઆત કરો એક જગ્યાએ આવી છે ટોપ જેવી જગ્યા, કારણ કે એવા રસ્તા જંગલમાં ત્રણ થી ચાર રસ્તા બધા જે બધા ગ્રુપ છે 100 જણની સંખ્યા, 100 જણ બધા જોડે રહેવાનું, સિંગલ લાઈનમાં ચાલવાનું, કોઈ ધક્કામુક્કી કરવાનું નહીં। તમને ફોટોગ્રાફી તમે ઉપર જગ્યા છે ત્યાં આપશું તમે ટાઈમ, કારણ કે સાલતી વખતે ફોટોગ્રાફી કરશો ને કોઈ બીજી વસ્તુ કે આપણે આપણે જોડે બધાને જોડે પાણીની બોટલ થશે જ અહીંયા જ્યાં ટ્રેક દરમિયાન આપણે ડસ્ટબિન મૂકી લે છે તે હાજર જે જંગલમાં નાખી ના દેવા, ટ્રેકમાં ડસ્ટબિન ત્યાં જ જો આ પેલું મેઈન છે ને, પડી ના જતી નહીં પડું, એમ્બ્યુલન્સ આ પેલો મેઈન પોઈન્ટ છે પોલોનો નદી વાળો, તો આગળ પણ જો જે વાત હે પ્રિયન તો
आपने जो देखा वो थोड़ा सा डेंजरस रूट है, तो छोटे बच्चों को मैं ऐसा ही बोलूँगी, छोटे बच्चे हैं आपके साथ तो आप इस ट्रैक पे मत आइए, थोड़ा चलना भी ज़्यादा पड़ेगा और थोड़ा बीच बीच में रिस्की हो जाता है, इसलिए अगर बड़े बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे हैं तो प्लीज़ इस ट्रैक को अवॉइड करिए, अदरवाइज़ आपको ये ट्रैक तो ज़रूर से करना चाहिए, बहुत ही मज़ा आएगा। આપડે વાહ ની બીમારી હોય ને ગરમ પાણી થી નાવાથી સફાઈ જાય, વાહ ની બીમારી ગરમ પાણી થી નાવાથી દૂર થઈ જાય। પડી જશે બોટલો ઓને મેફર મેફર નાખશે શેખાઈ ટ્રાફિક જામ दोस्तों। जब भी आप अगर यहाँ पे ये ट्रैक करना चाहते हैं तो चप्पल सैंडल और हील्स पहन के यहाँ पे मत आना, क्योंकि मैंने देखा था कि कुछ लड़कियाँ हील्स पहन के आई थी, सैंडल पहन के आई थी और बाद में उन लोगों की क्या हालत हुई थी, क्योंकि इस तरीके से पत्थर वाले रास्तों पे तो वो चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो आप शूज़ पहन के आइए तो आपको बहुत ही कम्फर्टेबल फील होगा। और अब मैं आपको बात बताती हूँ कि यहाँ आने की, तो हमने एक्सप्लोर विथ नीरव, जो कि आपको गूगल मैप्स के उनका नंबर मिल जाएगा, तो उन्हीं से बुकिंग करवाया था, तो दो तीन दिन पहले बुक करवा लीजिए। और बुक करवाने के लिए हमने उन लोगों की ट्रैवल्स भी निकलती है, वो पालड़ी अहमदाबाद से निकलती है, अर्ली मॉर्निंग 5 और 6 बजे के आसपास निकलती है वो ट्रैवल्स। और अगर आपको उनके व्हीकल में पालड़ी से पालड़ी वापस आना है तो वो 1300 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं, उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ब्रेकफास्ट, लंच, 4 बजे हाई टी और डिनर, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। लेकिन हम लोगों ने जो पैकेज लिया था वो था, हम लोगों ने पर्सनल कार ली लेके आए थे हम, तो हमने वहीं से अंबिका एक्जोटिका है वहीं से हमने ट्रिप प्लान की थी, वहीं से हमने शुरुआत की थी, तो हमारा जो था प्लान में वो सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और हाई टी भी था, सारा था, लेकिन हम लोगों ने उनका प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट उनका था वो हमने यूज़ नहीं किया, तो हम लोगों को 300 रुपीज़ उन्होंने डिस्काउंट दिया था। तो आप भी अगर आपका पर्सनल व्हीकल लेके आते हैं तो आपको भी इस तरीके से मिल जाएगा डिस्काउंट। आ गुगड़नू झाड़ है जो धूप करवा माटे यूज थाय छे, धूप बत्तीमां टिमरू का झाड़, इससे वो बीड़ी बनती है, जो देसी वाली बीड़ी होती है वो बनती है इससे। तो ये देखो दोस्तों, 1 साल के बाद फिर से हम लोग आए, लास्ट टाइम हमने ट्रैक नहीं किया था तो इस बार हमने ट्रैक कर लिया। तो यहाँ पे हमारा ट्रैक पूरा होता है, ये पॉइंट आपने देखा होगा, ये पोलो फॉरेस्ट में यहाँ पे पानी जो डैम वाला पार्ट है यहीं पे है, तो यहाँ देख सकते हैं कि कितनी सारी पब्लिक है, वैसे तो संडे के दिन तो बहुत सारी भीड़ रहती है यहाँ पे, तो
यहाँ पे आपको अगर वो ककड़ी है, गन्ने का जूस है, ऐसी मकाई वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी अगर आपको कुछ खाने है तो। लेकिन इस ट्रैक के बाद आपको आपके वो अंबिका एक्जोटिका के पास पहुंचना है। वहाँ पे पहुंच के आपको लंच भी बाहर रेडी होगा, तो आप लंच कर सकते हैं। थोड़ी देर आपको यहाँ रुकना है तो रुक सकते हैं उसके बाद। लेकिन यहाँ से आपको चल के जाना पड़ेगा कि जहाँ पे हम लोगों ने व्हीकल पार्क किया था वो थोड़ा दूर है, करीबन 1 से 2 किलोमीटर तक ये आपको चलना पड़ेगा। अगर आप पैदल चल के जा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे वो ऑटो रिक्शा वाले होते हैं वो भी मिल जाएंगे, तो उसमें बैठ के भी आप जा सकते हैं। लेकिन हम लोग तो यहाँ से चल के गए थे, बहुत मज़ा आया क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था। तो अब हम लोग वापस आ चुके थे, तो यहाँ पे आपको अगर रुकना है तो यहाँ पे रूम की भी फैसिलिटीज़ हैं। उसका रेट क्या है और कैसे है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे रुकते हैं। अगर सैटरडे आते हैं तो एक नाइट रुक के जा सकते हैं आप। तो यहाँ पे अच्छा है, अम्यूनिटीज़ वो सारी चीज़ें, बहुत एक्टिविटीज़ की भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, तो आप ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लंच लगा था तो लंच के लिए यहीं पे सब बैठ के सब लोग कर रहे थे। जब तक हम लोग आए तब तक तो बहुत सारे लोगों ने खाना खा लिया था और बहुत सारे लोग लाइन में लगे थे। उसके बाद लंच के बाद ये जो स्विमिंग पूल है उसके ऊपर थोड़ा सा एक्टिविटीज़ वगैरह है, वाटर पार्क जैसा थोड़ा सा है स्मॉल, तो ये लंच के बाद चालू करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको लंच के बाद जितना मस्ती करना है, एंजॉय करना है, वो लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बच्चों को तो बहुत मज़ा आएगा, तो एक बार ज़रूर से प्लान करिए। तो फाइनली खाना खाने के लिए हम लोगों ने लाइन में खड़े रहे थे। थोड़ी देर लाइन में खड़े रहने के बाद नंबर आया। तो खाना, मैं खाने की बात करूँ आपको, तो इतनी सारी पब्लिक थी फिर भी खाना जो था वो अच्छा लगा, इतना बेकार खाना नहीं था, टेस्ट वाइज अच्छा था खाना। और इतनी सारी भूख लगी थी ट्रैक करने के बाद, तो बहुत ही पेट भर के खाना खा लिया, अच्छा था खाना वैसे तो। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये वाटर पार्क जो है मिनी, ये चालू कर दिया था यहाँ पे, तो बच्चों ने शुरुआत कर दी खाना खाने के बाद यहाँ पे। उसके बाद सारे बड़े छोटे सब लोग अंदर चले गए नहाने के लिए, और इसके बाद आप थोड़ी देर के लिए एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर 4:30 बजे हाई टी मिलती है और शाम को 7 बजे के आसपास डिनर का रहता है। लेकिन हम लोग क्या किया कि इतना सारा दोपहर में भी लंच हमने देर से किया था, तो कुछ डिनर करने का मन नहीं था, तो हम लोग प्राइवेट व्हीकल लेके आए थे। तो हम लोग हाई टी करके चाय पी के चले गए। और अगर आप उनकी बस में आते हैं तो आपको देर तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बस नहीं निकलती तब तक, और बस आपको करीबन पालड़ी रात के 12 बजे के आसपास पहुँच जाएगी। तो आप लोग इस तरीके से देखिए, लेकिन पूरा जो दिन था वो फुल ऑफ मस्ती, एंजॉय और एडवेंचर से भरा हुआ था, बहुत मज़ा आया। आप लोग आना चाहते हैं तो ज़रूर से एक बार इस तरीके से आइए, बहुत मज़ा आएगा। ग्रुप है तो ग्रुप के साथ आइए, ग्रुप वाले लोग बहुत एंजॉय करते हैं, अदरवाइज आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और भी ग्रुप्स होते हैं उनके साथ, हम गुजराती तो वैसे भी मिक्स हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो